हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेक्टर प्रिंस। आज हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। जस्टिस लीग स्नाइडर कट एक मूवी आई थी, उसका हम एक नया रिव्यू लाइक स्पॉइलर रिव्यू रहेगा ये। इसमें आज मेरे साथ है पार्क फ्रॉम थ्री हेड्स एंड टेल्स। तो यहाँ पे अगर थ्री हेड्स एंड टेल्स अगर उन लोगों को पता नहीं तो एक चैनल है यूट्यूब पे उनका। ये लोग तीन लोग हैं, सो दे मेक इंटेलेक्चुअल कॉन्टेंट, ब्रॉडकास्ट वगैरह, वो सब उनका नया टाइप का कॉन्टेंट है। इसका एक अलग सेगमेंट है उसमें लेट्स इंटरनेट करके। सो पार्क, टेल माय ऑडियंस व्हाट इज लेट्स इंटरनेट। लेट्स इंटरनेट इज अ सेगमेंट जहाँ पर मैं गूगल पे कुछ चीजें डाल के कुछ सवालों के आंसर्स ढूंढता हूँ। पहले वो सवालों को लॉजिकली आंसर देने की कोशिश करता हूँ, विच कैन हेल्प यू टू बी क्यूरियस एंड यू नो आप उसमें एंगेज हो कि ये क्वेश्चन कैसे आता है। अभी दो एग्जांपल दूँ तो एक कांदा क्यों रुलाता है हमको, बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि आपको आंसर पता है। तो उसके आंसर ऐसे क्वेश्चन के आंसर मैं वहाँ पे देता हूँ और गूगल पे डाल के क्रॉस चेक कर रहा था। ओके, सो मैंने भी इसका बहुत ज़्यादा कंटेंट फॉलो किया है, आई लव हिज कंटेंट। सो आज ये आया, सो थैंक यू फॉर कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम। सो फर्स्ट माय क्वेश्चन इज हाउ वाज द मूवी। मूवी अभी बोलूं तो जस्टिस लीग जो 2019 में 17 में आया था उसके बाद ये जो निकला है स्नाइडर कट, आई है वाह। मतलब मैं बोल ही नहीं सकता कि कंपैरिजन है यहाँ पर। मतलब 4 घंटे का एक्सप्लेनेशन वाला मूवी और 2 घंटे का एवेंजर के डायरेक्टर ने आके एक टट्टी किया हुआ मूवी, उसमें बहुत फर्क है। वो है, यू नो, कैरेक्टर डिजाइनिंग, एक्शन सीक्वेंस, फ्लैश को एक नया रूप दे दिया है, सब कुछ अलग अलग किया है इसमें, ये मूवी में। एक्चुअली ये मूवीज में थे, एक कॉमिक बुक्स में जो फर्स्ट अपीयरेंस रहता है फ्लैश का था वो हिसाब से पहले कॉस्ट्यूम बनते थे, इवन फॉर बैटमैन वो सब। बट कॉमिक्स में जैसे डेवलप होने लगे हैं तो अभी क्या कर रहा है कि वो कॉमिक्स से रिलेट कर रहे हैं मूवीज को, इसीलिए वो लोग अभी कॉस्ट्यूम अलग अलग बैरियर पे रहे। अभी इफ तूने वो मूवी पूरा देखा है और स्पॉइलर अलर्ट, एंड में जब भी फ्लैश दिखता है तो अलग गेटअप में, अलग ये सो मास ही इनसे हो रहा। सो ही इज यंग, ही ओल्डर देन ही लुक्स इन दिस, लाइक मिशी इट्स अ डिफरेंट यूनिवर्स। हां वो भी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को एक्शन सीक्वेंस के बारे में पूछना था, लाइक मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो फ्लैश का जो टाइम रिवर्स टाइमिंग वाला जो मोमेंट था इतना डोप लगा, लाइक मैं उसको बार बार रिपीट करके देख रहा था, लाइक तू फ्लैश को बोल देता वो वापस टाइम रिपीट कर देता, दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग। एंड देन ऑल्दो वो स्नाइडर इज नोन फॉर हिज एक्शन सीन्स, लाइक वो जब लाइक बैटमोबाइल है ना, बैटमोबाइल वो आ रहा था एंड ही वाज लाइक ड्रिफ्ट मार के स्लो मोशन मूवमेंट, हर एक मोमेंट पे उसने अलग अलग ट्विस्ट, वो एक्वामैन उतर रहा है इससे, हाँ। और वो बीटल को पकड़ रहा है करके एकदम बिल्डिंग से निकल के, हां और एक वो जंप मारते थे एक मोमेंट पे उधर, हां सब लोग स्लो मोशन में जाते हैं भाई, क्या क्या सिनेमेटोग्राफी है उस वाले मोमेंट में, और मोमेंट पे ऐसा नया मोमेंट आ रहा है। एक्शन सीक्वेंस के बारे में कुछ भी लाइक बोलना है जैसा है ही नहीं, बहुत डोप है सीन्स। स्टेपनवुल्फ, दैट मूवी एंड दिस मूवी, सीजीआई कंपैरिजन, सीजीआई कंपैरिजन, अरे मतलब अभी वो वाले मूवी में स्टेपनवुल्फ था चुहावा, कुत्ता रहता ना, और ये वाले मूवी में वो था बुलडॉग, लाइक बहुत ही कुछ मतलब एक्स्ट्रा कर दिया उन्होंने, मस्त एकदम ही सेक्सी बना दिया। एंड इस बैटल सीन्स वेयर लाइक अमेज़न्स अटैक करते हैं तो वो मोमेंट पे भाई, बट मूवी ना सुपरमैन आने के बाद बहुत ही लेम हो गया। हाँ लेम हो गया, लगे ए बेड़िया गीला। हाँ एंड टेल मी लाइक कैरेक्टर डिजाइनिंग, किसका कैरेक्टर डिजाइनिंग सबसे ज्यादा पसंद है और किसका नहीं? कैरेक्टर डेवलपमेंट या कैरेक्टर डिजाइनिंग? मतलब डेवलपमेंट, बेसिकली कैरेक्टर डेवलपमेंट ना। तो अभी देखा जाए तो फ्लैश और साइबर की मूवी नहीं है, तो उनका कैरेक्टर डेवलप होने के लिए सिर्फ ये मूवी था, क्योंकि वो अभी इंट्रोड्यूस और एक्वामैन नहीं एक्वामैन का है, हां एक्वामैन का आगे, बट ये इंट्रोडक्शन एक्वामैन का इस मूवी में था। हां 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 कैसे ना मिलते हैं उन्होंने, तो मैं वही दोनों का बोला ना, एक्वामैन बोला मैं, हां बोला मैं, हां नहीं तो साइबर उनका कैरेक्टर है, बट जस्टिस लीग 2017 में जो आया था वहाँ पर उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो अभी ये वाले जस्टिस लीग में जब भी स्प्लैश वो डॉगीज के यहाँ पर इंटरव्यू देने जाता है, कभी ताश छोड़ के जाता है, तो वो जो बंदी है जिसको वो बचा रहा है वो आयरिस है, आयरिस है उसका नेक्स्ट मूवी में बहुत ज्यादा वो उसमें कट कर दिया था लाइक वही ना। तो मेरे ख्याल से अगर उसने ये मूवी में किसी को डेवलप किया अच्छे खासे इसमें तो वो स्प्लैश को, क्योंकि उसका मे बी आगे भी आने वाला है डेवलपमेंट, क्योंकि उसका इसमें भी था ना बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में, हाँ थोड़ा सा मोमेंट था। टेल मी व्हिच वन लाइक कौन सा कैरेक्टर तुमको पसंद नहीं आया, लाइक कैरेक्टर डेवलपमेंट के मामले में? कैरेक्टर डेवलपमेंट के मामले में 2017 आप भी वाला
जेम्स गॉर्डन जेम्स गॉर्डन उसका कोई स्टोरी नहीं था उसको नहीं, क्यों नहीं दिया लाइक आई डोंट नो मैं सोच रहा था इसको गौतम में है गौतम हाँ, में हो रहा है सब कुछ इतना सब कुछ इम्पोर्टेंट है उसका रोल उसको रोल ही नहीं दिया लाइक क्या फायदा उसका सिर्फ वो इवन अल्फ्रेड को दिया फॉर मी ना मेरे को बैटमैन का रोल थोड़ा सा खटका लाइक बैटमैन इज नोन ही इज द मोस्ट डेंजरस ह्यूमन इन द वर्ल्ड लाइक उस मूवी यूनिवर्स में एंड वो एक्वामैन के पास जाता है एक्वामैन बोलता मैं नहीं आऊंगा वो चला गया व्हाई भाई बैटमैन इज नोन फॉर बैटमैन इज लाइक वो 10 स्टेप आगे रहता है हमेशा एक इंसान से लाइक जस्टिस लीग से डरती है बैटमैन से लिटरली एंड उसको क्या दिखाया गया था कि मत आ हाँ ऐसे चल के आ गया वो भाई वो नो मींस नो हाँ नो मींस नो व्हाट लाइक बैटमैन समझ है नो मींस नो बट वो धमकी वगैरह देता है ना बैटमैन की मेजरिंग वीकनेसेस जानता हूँ एंड ऑल वो सब करता है ना बाकी मूवीज में मैंने देखा है एंड ऑल्दो बट उसको एलाय बना था उसको उनको डिस्टर्ब नहीं करना था ठीक है ना बट नो ऑल्दो लाइक जस्टिस लीग वाज नॉट अ आईडिया ऑफ बैटमैन फर्स्ट ऑफ ऑल वंडर वुमन का आईडिया था हां एंड वंडर वुमन वाज नॉट टेकिंग एनी एफर्ट्स अकेला बैटमैन ही ले रहा था हां वो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को कट आईडिया वंडर वुमन का था एंड देन सेकेंडली मेरे को ये फटकी की लाइक बैटमैन का कैरेक्टर ट्रेट क्या है डाउट एवरीथिंग फर्स्ट डाउट एवरीथिंग सो बैटमैन जो बोलता है ना कि अल्फ्रेड को फेल अल्फ्रेड फेल दैट थिंग वाज लाइक कि नहीं ये डायलॉग इसका नहीं ये डायलॉग सुपरमैन क्योंकि सुपरमैन का कहता है बिलीव एवरीथिंग एंड इसका कहता है डाउट एवरीथिंग इसलिए वो अलग अलग ये मुझे कैरेक्टर डेवलपमेंट लगा बैटमैन में क्योंकि बैटमैन अकेला काम करता है पहले से अल्फ्रेड उसको मदद करता है बट जब बैटमैन से सुपरमैन में बैटमैन को वो सपना आया नाइट में आया नाइट में नहीं था ना हुआ था ना तो फ्लैश आके हुआ था उसके बाद से उसको उसने बोला ना कि लुईस इज अ की तो उसके बाद उसको लगा कि नहीं अभी मुझे जो कुछ भी करना है उसमें मेरे को फेथ ही रखना है क्योंकि ये मेरे को आंसर है मेरे को आंसर मिला है उसमें सिर्फ फेथ रखना है हाँ तो उसके लिए वो अल्फ्रेड को भी समझा कि ये आइडिया है एग्जिस्ट करके अगर आता पीछे कोई टाइम में आता तो वो बैटमैन आता ना खुद को बताने के लिए बट आया कौन फ्लैश और तभी वो चीजें हो रही थी इसलिए वो फेल कर रहा है क्योंकि उसको भी नहीं पता क्योंकि आगे क्या होने वाला है उसको सिर्फ एक फ्यूचर का पता है कि ये होगा वो कैसे होने वाला है वो नहीं है उसके घर पे आता है और वो उठा है अभी जस्ट उठा है आलस वालस दे रहा है बाहर जा रहा है कोई तो आया अरे बेल भी नहीं बजा आया गया बाहर और वो खड़ा है बैटमैन खड़ा है उसको कोई डर नहीं है कोई एलियन खड़ा है उसके सामने डर नहीं हुआ हाँ जो जस्टिस लीग देखी है एनिमेटेड सीरीज उसमें कुछ तो अलग बैक स्टोरी में समथिंग मार्स में होता है हाँ वो मार्शियन ही है मार्शियन है बट हाँ बट उसका एक अकेला बच्चा है एंड ये पहले थे ना मैन ऑफ स्टील से है ना इसमें ये मार्शियन मैनेंडर मैन ऑफ स्टील में था तो वही तो वो जो था ना लाइक वो मार्था से मिलने जाती है लुईस लेन बन के मार्शियन मैनहंटर नहीं सॉरी मार्था बन के जाता है मैनहंटर लुईस लेन से मिलने हाँ तो ये जैसे सीखे हाँ तो हाँ उससे बाद वो किसमें ट्रांसफॉर्म होता है दैट पुलिस ऑफिसर मैन ऑफ स्टील में था वो तो नहीं था वो पुलिसमैन मैन ऑफ स्टील में वही तो है वो मार्शियन मैनहंटर तो तुझे बोलना है कि वो वही वही है ओ अभी मुझे समझा वही है इतने मैनेंडर ही था अपने सामने एंड आई वाज लाइक क्या बैक स्टोरी दिया इसको अलग ही बैक स्टोरी में घुसा दिया पी 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 टेल मी व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट पोस्ट क्रेडिट सीन की लाइक 30 मिनट्स का पोस्ट क्रेडिट सीन होता एंड बहुत बड़ा सीन नाइटमेयर सीन बहुत बड़ा था हाँ पर वो नीडेड भी था उनको अभी मुझे ऐसा पर्सनल बेसिस पे लगता है कि स्नाइडर को निकाल दिया गया था मतलब वो गया चला गया था तो अभी उसको कम बैक करना है सेम मूवी के साथ उसके स्क्रिप्ट के साथ जो स्टोरी सबको पता है कि पहले जस्टिस लीग फॉर्म होगा जस्टिस लीग में ये लोग आएंगे और इसके बाद सुपरमैन आके बचा लेगा ये सबको स्टोरी पता था स्टीफन मरने वाला है मदर बक्सेस वाला करने वाला है बट ये टाइम उसको क्या करना था यही स्टोरी में थोड़ा चेंजेस करके उसको बेटर दिखाना था तो उसमें उसने क्या किया कि डार्क साइड को लाया उसने सबका बैक स्टोरी दिखाया थोड़ा थोड़ा सुपरमैन का सूट बैक दिखाया अभी उसको बोलना है कि मुझे आगे भी कंटिन्यू था मेरे दिमाग में था कि आगे भी होगा
तो आगे भी होगा, उसके लिए उसको क्रेडिट सीन दिखाने थे कि अगर ट्विटर पे कोई बोला, बहुत लोग बोले स्नाइडर कट क्यों हुआ, क्योंकि बहुत लोग बोले थे ट्विटर पे, हाँ बोला कि स्नाइडर कट चाहिए, स्नाइडर कट चाहिए, तो अगर वापिस वही हुआ तो उसको आगे का काम मिलने में भी चांसेस है ना। डालना पड़ा ना कि बाबा ये कर, देखो ये मेरा आइडिया था, ये स्टोरी थी, यहाँ पे तुम लोग को चाहिए था। हाँ लाइक हाँ, डेविल सुपरमैन भी आने, एविल सुपरमैन भी आने वाला है, बहुत से नाइटमेयर ग्रुप होने वाला है बहुत बड़ा, लाइक एंड बट एंड तो कर दिया। हाँ लाइक हाँ, वो सपना टूटा एंड देन मार्शियन मैनहंटर आया। टेल मी जोकर कैसा होगा इसमें, जोकर लाइक सुसाइड कोड देखिए उसमें छपरी दिखाया था जोकर, एक डैडी गुंडा टाइप, इसमें वो लिटरली साइकोपैथ लग रहा है क्योंकि वो बैटमैन डाल लेना उसको आर्कम असाइलम में। हाँ आर्कम असाइलम, तो वहाँ से उसे आई गेस ये भी वही कपड़े है ना। हाँ अभी वो अभी तक वो हुआ नहीं है, लाइक होने वाला है यूनिवर्स में, लाइक वो नाइटमेयर में चल रहा है वो सीन। हाँ बाय द वे, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट सुपरमैन का कैरेक्टर पूरे डीसी यूनिवर्स में, डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में? सॉरी सुपरमैन इज वेरी ओवरपावर्ड इसमें ना, सब में ही है। हाँ, वो तो क्या एक एक, दर, एक पत्थर से डरता है वो। हाँ। लोग यहाँ पे लक के लिए पहनते हैं पत्थर। हाँ। चायला और उसके बाद चाय नहीं कॉफी, ठीक है। नहीं तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा ओवर पावर है, उसके आने से मूवी ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। यू नो मैन ऑफ स्टील देखी थी? हाँ, उसमें एक ही उसको मारने के लिए क्रिप्टोनियन नहीं चाहिए। हाँ वो देखा है यू नो, उसमें कैरेक्टर का एक एक तुझे कैरेक्टर ट्रेट्स पता है ना इसका, एक बेसिक कैरेक्टर ट्रेट्स क्या है और सुपरमैन का, कि ही डजंट वांट टू हर्ट एनीबॉडी। हां व्हेन उसको एक बार में एक लड़का उसको परेशान करता है, व्हाट ही डज, ट्रक तोड़ देता है किसी की, लाइक हां जीने का सोर्स तोड़ देता है तो उसका, एंड दैट्स व्हाट नॉट तुझे वो क्रूअल लगा क्या? हाँ, ऐसा क्रूअल लगा। तो वही तो अगर मूवी अच्छे से देखेगा ना तो बैटमैन क्यों मारने जाता है सुपरमैन को, जस्ट बिकॉज़ हां लग रहा था क्रूअल है कर। हाँ उसको लग रहा था उसे, पर सुपरमैन क्या कर रहा था, बचा रहा था ना खुद को, बचा रहा था जॉर्ड से, जनरल जॉर्ड से, तो वो मे बी उसके इसके अननोइंगली करता है वो, मतलब फाइट में हो जाता है उससे अगर हुआ तो, और ये ट्रक का गाना है तो उसको बस मजा चकाना रहेगा। बट नहीं ऐसा नहीं है सुपरमैन की, किसी ने चिढ़ाया उसको तो वो ऐसा नहीं करेगा, आई डोंट थिंक सो। सुपरमैन तो तुझे क्या लगता है कौन आके गया? नहीं सुपरमैन ने किया, सुपरमैन का कैरेक्टर वैसा नहीं है कि वो करेगा, सुपरमैन मस्ती नहीं कर सकता क्या? हाउ लाइक वो उसके पावर्स को यूज करके मस्ती नहीं करेगा ना, डेफिनेटली ना। आज तक मैंने इतनी मूवीज देखी है सुपरमैन की, बचपन से देखता हूँ फैन, कुछ नहीं आइडिया ऐसा कुछ किया नहीं उसने कभी भी। फिलोसॉफी बिहाइंड इज लाइक कि मैं लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ, उसको ऐसा बताया कि तू आया है मदद करने के लिए, उसे बहुत बहुत आदत है। लाइक वो लिटरली ही डजंट हैव अ ट्रॉमा, बैटमैन जैसा ट्रॉमा नहीं उसको, उसके कारण से सब बड़ा हुआ है, उसका टेंशन नहीं है। तो ये कैरेक्टर का ये हुआ ना ब्रेकिंग हुआ थोड़ा सा, ऐसे ब्रेकिंग बोलना है, हो सकता है। सो लेट्स कंपेयर Avengers versus like Marvel Cinematic Universe versus Justice League का Snyder Cut बता। है है Avengers का बहुत मतलब वहाँ के कैरेक्टर्स को लोग प्यार करने लगे ना, इसीलिए वो बहुत कॉमेडी, इसीलिए वो हाइप हो गया। DC इज फुल फैन बेस है, मतलब बहुत कम फैन बेस है बट है अच्छा खासा है। अभी अभी कैमरे के पीछे ओमकार है, ओमकार ने मार्वल देखा है क्योंकि पीयर प्रेशर मस्त एकदम, उसको अच्छा भी लगा बट उसने DC नहीं देखा है। DC उसको मैं उसने डायरेक्ट जस्टिस लीग देखा मेरे साथ, 4 घंटे का मूवी, मैं बीच में पॉज करके उसको बता रहा था अरे ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा डूम्स डे मारा था स्टार्टिंग में, डूम्स डे मारा था लाइक स्टार्टिंग का ही सीन वैसा ही है, मैं पॉज पॉज करके बता रहा उसको। तो तू बोलेगा तो फैंस के हिसाब से बहुत अच्छा है किसी का। हाँ पीयर प्रेशर, बहुत पीयर प्रेशर है, और मार्वल पीयर प्रेशर की वजह से बहुत यूज गया है, यूज। अभी अभी इनका भी नया नया यूनिवर्स है और इनकी प्रेशर बहुत ज्यादा है क्योंकि वार्नर ब्रदर्स डिज्नी से बड़ा स्टूडियो है कंपैरेटिवली, डिज्नी कैसे बच्चों को फोकस करता है तो उनको बच्चों के लिए ऐसा मूवीज बनाना है, एंड इनका कैसे वो डीसी का मेन ऑडियंस बड़े लोगों का है, हम लोग बड़े लोग ही देख सकते हैं, बचपन में देखते इसमें और एक रहता है लेजेंडरी स्टूडियो बट पीयर प्रेशर किसको करना है जस्टिस लीग को
कंपेयर कर 2007 को क्या देगा 2017 को क्या देगा 2017 को भी मुझे पसंद आया था, मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाके देखा था तो, बट वो थोड़ा लेम लगा था मुझे तो, सिक्स डे का था सिटी में थोड़ा फैन भी है तो। स्नाइडर कट को मैं एक 9.5 मेरा बोलो तो मैं 8 दूंगा 8 स्नाइडर कट को, उसको 4 जरूरत नहीं काबिल जॉस वीडन बेचारा रो रहा है ओके सो भेजना जरूर है जॉस वीडन को, हां जॉस वीडन को शेयर करनी वीडियो सब लोगों ने ओके सो या हियर वी एंड दिस वीडियो थैंक यू फॉर कमिंग पार्ट एंड इफ यू हैवंट चेक द 3 हेड्स एंड टेल्स येट तो जाके चेक आउट कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा ही, हां अभी पॉप भी होगा, हां अभी पॉप भी हो जाएगा शायद, मुझे वो पॉप करना आता नहीं, मैं सुपर कूल बना ही इधर आता है So yeah, thank you for watching till the end. Thank you so much. I'll see you in the next one. Goodbye. Okay, like कौन करेगा? Like वो कर देते हैं मेरी वीडियो. Oh. वो कर देते हैं, उनका कोई टेंशन नहीं. हमारे इधर भी आके कर जाके करके जाना. उनके चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को भी नहीं किया तो कर लो यार. अभी करेंगे. 800 वाले चैनल से कोलैब किया तो हो ही जाएंगे थोड़े से. मुझे लगता है प्रमोशन होगा. 200 तक कोई नहीं चाहिए. You haven't followed me on Instagram yet. मैंने भी तेरे को नहीं किया. ये कैमरा पे पूछने वाला था इसलिए मैं बोल आने नहीं वाला था इधर. Instagram पे हमने इसको फॉलो नहीं किया. अभी करेंगे. Yeah. So yeah, thank you for watching till the end. And I'll see you in the next one. Goodbye.